नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कौन प्रत्याशी होंगे पश्चिम बंगाल में, ये कल ही आपकी पार्टी ने घोषणा की। घोषणा में कुलटी से हमारे विधायक उज्ज्वल चटर्जी को फिर से इस बार कैंडिडेट चुना गया है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे विधायक उज्ज्वल चटर्जी को चौथी बार कैंडिडेट चुना गया। हम लोग बहुत खुश है कि हमारे उज्ज्वल चटर्जी कैंडिडेट बने। हम लोग अपनी उज्ज्वला ममता बनर्जी को तह दिल से शुक्रिया अदा करते, अपने पार्टी के तमाम सुप्रीमों को तह दिल से शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने फिर से एक बार उज्ज्वल चटर्जी को पार्टी से कैंडिडेट किया है। लेकिन पिछले कुछ महीने देखा गया था कि आप पार्टी में आपको लेकर के और उज्ज्वल चटर्जी को लेकर के काफी विवाद रहा था, और फिर अचानक से अभी मतलब उसे कैंडिडेट चुना गया, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो पिछला जो विवाद था आपका, क्या वो विवाद सब खत्म हो चुका है? देखिए, ऐसा कोई विवाद हम लोगों के बीच में नहीं थी, वो हम लोग घर का बात है, घर में ही हम लोग रहेंगे, ऐसा कोई विवाद नहीं था। पार्टी की उन्होंने टिकट दिया है, हम पूरी मेहनत करेंगे अपने विधायक को इसे जिताने के लिए। हमारे विधायक है, हम उन्हें पूरी कोशिश और मेहनत करेंगे कि यहाँ क्वालिटी से टीएमसी की जीत हो। ऐसे एक दूसरे दल ने ये आरोप लगाया है आप पे कि डीसागढ़ मजार जो है उसमें कुछ फंड है जो आपके पास में जमा है, और वो फंड आपने अभी तक डीसागढ़ मजार कमेटी को अदा नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे? दूसरे दलों को सिर्फ आरोप लगाने के अलावा तो कोई काम नहीं है, बैठे बैठे तो कोई काम मिल नहीं रहा, तो बस यही काम है किसका ऊपर क्या इल्जाम लगाना है, किसको क्या बोलना, बस यही काम करते रहे। डीसागढ़ मजार में क्या हुआ था क्या नहीं, हम भी जानते, हमारे विधायक भी जानते, हमारे जो पहले हमारे एसडीओ थे वो भी जानते हैं, फंड है यानी इस बारे में भी हमारे सारे जितने मिनिस्टर है सभी जानते हैं। कमेटी बनेगी, कल उन्हें फंड दे दिया जाएगा, अभी कमेटी नहीं है तो हम फंड किसको दे, आप ही बताइए। तो दूसरे विभाग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, उनको तो कोई काम मिल नहीं रहा, दिमाग खाली, शैतान का दिमाग, कुछ भी बकना है बको, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको यहाँ से आपके मतलब कुलटी अंचल से कितने महिलाएं वोटरों का जो है वो सहयोग मिलेगा? कुलटी अंचल से हमारे 100% महिलाएं वोट देगी, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वजीर आला ने काम किया है, डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट के तौर पे पूरे बंगाल के लोग तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री को वजीर आला ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रही है। हमारी बंगाल का एक ही नारा है, हम अपनी घर की बेटी को ही वजीर आला बनना देखना चाहते हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोगों का यहाँ पे वोट प्रतिशत क्या होगा? वोट प्रतिशत हमारा 100% होगा, टीएमसी ने काम किया, टीएमसी को वोट मिलेगा। यानी मतलब कितना आंकड़ा मतलब अपना बता सकती हैं कि कितना आंकड़ा में आप लोगों का वोट जो है? देखिए, आंकड़ा तो हम ये नहीं बोल सकते कितना, जनता बेहतर जानती है, जनता ठान चुकी है कि यहाँ कोल्टी में कौन काम किया है कौन नहीं किया। जनता जानती है कि ममता बनर्जी ने काम किया है, ममता बनर्जी को ही वोट देना है, जनता आपको फैसला 2 मई को दिखला देगी। अच्छा, बीजेपी के कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो जल परिकल्प योजना है उसको लेकर के 40% धनराशि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, बावजूद उसके स्टेट गवर्नमेंट जो है 3,080 रुपये जो है लोगों से जबरन वसूल रही है, ये बात कितना सत्य है कितना झूठ? देखिए, ये बात गलत है, मैंने तो आपको कहा है भाजपा का तो कोई काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, बैठ के कुछ करना नहीं है, बस हमारे गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाना है। भाजपा गवर्नमेंट किया क्या है, कहते हैं अमरूद से कि हम 40% 60% तो हमारा है, बहुत कुछ उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया क्या उन्होंने, इसीलिए कहते हैं इलेक्शन के टाइम में बातें मत बनाइए, जनता बेहतर जानती है, जनता आपको बता देगी 2 मई को आने वाले दिनों में।